Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. Hello friends, आइए देखते हैं characteristics, कुछ facts cockroaches के बारे में. Cockroach जो है 36 days में adult हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि पैदा होते ही उसमें इतनी power होती है कि बहुत सारे allergic और reactions को create कर सकता है. और cockroach जो है इतने तेज रिप्रोड्यूस करते हैं कि उन्हें कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल होता है. दूसरा फैक्ट यह है कि कॉकरोच जो है कम से कम 3 miles तक दौड़ सकते हैं एक घंटे के अंदर. इसका मतलब ये हुआ कि वो जर्म्स बैक्टीरियाज अपने घरों में बहुत ही आसानी से फैला सकते हैं. कॉकरोच की जो रनिंग स्पीड है वो उसके लेग के डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है. तीसरा जो फैक्ट है ये है कि कॉकरोच जो है हफ्तों तक बिना सर के रह सकता है. अगर किसी कारण से उसका सर कट भी जाए तो भी वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और वो स्पाइरिकल से ब्रीथ करते हैं जो ओपनिंग्स उनके एब्डोमेन में होती है. तो हेड का इससे कोई भी डिपेंडेंस नहीं है. वो मरते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खाना नहीं खा पाते. एक कॉकरोच की सबसे खास बात ये अपनी सांस को रोक सकता है 40 मिनट तक. बहुत बड़ी बात है ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी बड़ा है. 40 मिनट तक रोक सकता है और ये सर्वाइव कर सकता है अंडर वाटर फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे से ज़्यादा वो पानी के अंदर रह सकता है जिससे वजह से अपनी सांस को रोक पाता है. कॉकरोच जो है बहुत पुराने हैं. आप ये कह सकते हो कि 280 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने हैं कार्बोनिफेरस एरा और आज तक कायम है. मतलब इनमें एक सबसे खास बात क्या थी, अडेप्टिबिलिटी. हर समय और सिचुएशन के साथ अडेप्ट करते गए. डायनासोर्स अडेप्ट नहीं कर पाए या दूसरे एनिमल्स अडेप्ट नहीं कर पाए इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए. कॉकरोच आज भी कायम है, वो है अडेप्टेशन. दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉकरोच है वो साउथ अमेरिका में रहता है और कहते हैं वो 6 इंच लंबा है और उसका जो विंग्स है वो 1 फुट लंबा है. और एवरेज कॉकरोच का जो साइज़ है वो 1/2 इंच से 2 इंच तक वेरी करता है. 6 इंच लंबा कॉकरोच अब आप समझ सकते हो कि कितना डरावना होगा वो. ये कॉकरोच जो है एक अट्रैक्शन दिखाता है. अमेरिकन कॉकरोच जो है अल्कोहल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, स्पेशली बियर की तरफ. मतलब ये अल्कोहल जो मिक्स होता है हॉप्स और शुगर के साथ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सारे अमेरिकन कॉकरोचेस जो होते हैं वो बेवड़े होते हैं क्योंकि वो दारू की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन सिर्फ अमेरिकन कॉकरोच. 1 डे ओल्ड बेबी कॉकरोच जो होगा जिसका साइज़ एक दाने के बराबर होता है वो भी अपने माता पिता के तेज़ उनके स्पीड को मैच कर पाता है. मतलब छोटे से कॉकरोच में भी दौड़ने की काबिलियत है. ये बहुत स्पेशल बात है जो कोई भी एनिमल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ कॉकरोच में पाया जाता है. और जो नेक्स्ट फैक्ट है कॉकरोच के बारे में वो ये है कि वो कोल्ड ब्लडेड इंसेक्ट हैं, इसलिए बिना खाना खाए वो 1 महीने तक रह सकते हैं और वो सर्वाइव करेंगे 1 हफ्ता ही विदाउट वाटर. मतलब पानी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, खाना नहीं होगा तो भी चल सकता है. इसी के लिए कहते हैं कि वाटर में लाइफ है. कॉकरोच की जो नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये 4000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जर्मन कॉकरोच है और ब्राउन बैंडेड कॉकरोच और अमेरिकन कॉकरोच है. दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. मैं कॉकरोच का डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन और बॉडी के बारे में बात करूँगा और आने वाले वीडियोज़ में कॉकरोच को डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ एनिमल टाइप्स. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 एनिमल्स कवर किए जाएंगे, कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग. ये पहला वीडियो कॉकरोच के बारे में. तो आइए सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं. कॉकरोच इतना हाईली डेवलप्ड एनिमल है कि वो जब से दुनिया है समझ लीजिए तब से लेके आज तक कायम है. क्लासिफिकेशन वाइज अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला है किंगडम. तो किंगडम जो है वो है एनिमेलिया, क्योंकि एनिमल है. फाइलम जो होता है वो है आर्थ्रोपोडा. जिस क्लास को कॉकरोच बिलोंग करता है उसे कहते हैं इंसेक्टा. जीनस जो है कॉकरोच का वो है पेरी प्लैनेटा और स्पीशीज मतलब अमेरिकाना. जब आप कहते हो किंगडम एनिमेलिया, इसका मतलब क्या होता है? तो एनिमेलिया का मतलब ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं और लोकोमोशन करते हैं, मतलब दूसरे से खाना खाते हैं और एक जगह दूसरी जगह चल सकते हैं. फाइलम आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड लेग्स, इनके पास जुड़े हुए पैर होते हैं, जॉइंट्स होते हैं पैरों में. इंसेक्टा में मतलब 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मतलब 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी पैर होते हैं इनके पास.
पेरीप्लैनेटा जीनस है, स्ट्रेट विंग्स है, नॉक्टर्नल मतलब रात को हमेशा एक्टिव होते हैं, कॉकरोच ज़्यादा करके रात में निकलते हैं, च्यूइंग टाइप और बाइटिंग टाइप में होते हैं ये। अमेरिकाना मतलब जो कॉकरोच को सबसे पहला देखा गया तो उसका जो स्पीशीज था ओरिजिन उसका मैक्सिको यूएसए का है। जब आप कॉकरोच की बात करोगे साइंटिफिक नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो बड़ा वाला कॉकरोच होता है ब्राउनिश कलर का, लेकिन छोटे छोटे भी कॉकरोच आपको दिखते हैं तो छोटे वाले कॉकरोच है वो स्पीशीज है ब्लैटा ओरिएंटालिस। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉकरोच की अगर आप बात करो तो सबसे पहली बात यह है कि ये ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, पानी पे, डेजर्ट में, लैंड पे, हवे में, हर जगह पे। कहाँ रहते हैं तो हम कह सकते हैं दे लिव इन वार्म, डार्क और डैम प्लेस, ऐसी जगह जो थोड़ी सी नरम हो, थोड़ी गर्म हो, थोड़ा सूखा हो, थोड़ा गीला हो, शॉर्ट में बोलूँ तो गटर में। और ये नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, कॉकरोच ज़्यादा करके हमेशा रात में एक्टिव होते हैं, रात में बाहर निकलते हैं। कॉकरोचेस ओमनीवोरस होते हैं, कुछ भी खाते हैं, वेज नॉन वेज, और कुछ नहीं भी मिला तो कभी कभी अपने बच्चे को भी खा जाते हैं, तो उसे कैनिबल्स कहते हैं, कैनिबलिज्म। कॉकरोच जो है कर्सोरियल इन नेचर है, बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, दे आर फास्ट रनर, उनकी बॉडी साइज और स्पीड के मुकाबले सबसे तेज़ दौड़ने जाने वाले जानवर हैं। कॉकरोचेस दे हैव द एबिलिटी टू फ्लाई, कॉकरोच के पास दो विंग्स हैं सो उड़ भी सकते हैं। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉकरोच। बॉडी ऑफ कॉकरोच की अगर आप बात करोगे तो उनकी बॉडी होती कैसे है जरा ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहली बात, द बॉडी ऑफ द कॉकरोच विल बी एलोंगेटेड। एलोंगेटेड मतलब उनकी बॉडी लंबी होती है, और डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड मतलब ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट होगा। तो हम कह सकते हैं बॉडी कैसी है, एलोंगेटेड है, डॉर्सी वेंट्रल है। कॉकरोच का लेंथ जो है, यहाँ पे अब हम लेंथ की बात करोगे तो 3 to 5 centimeter इनका लेंथ हो सकता है। जब आप ब्रेथ की बात करोगे सो 1.5 to 2 centimeter का इनका ब्रेथ हो सकता है। मतलब कॉकरोच अगर लंबे हुए तो 5 centimeter तक या उससे ज़्यादा भी लंबे हो सकते हैं। ब्रेथ कितना है, 1.5 to 2 centimeter। कॉकरोच अकेला एक ऐसा जानवर है जो इस दुनिया में जी सकता है अगर उसका हेड काट दिया जाए तो भी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं खा पाता इसलिए मरता है। बिना सर के कॉकरोच 10 से 15 दिन तक जिंदा रहता है। कॉकरोच का कलर क्या होता है तो हम कहते हैं रेडिश ब्राउन इन कलर। सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल मतलब आप उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो एक ही एक्सिस से। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब तीन जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोडम। ये ट्रू बॉडी कैविटी दिखाते हैं जिसको हम सिलोमेट कहते हैं, मतलब इनके पास वेल डेवलप्ड क्या है, माउथ और एनस है। ब्लड इनका जो है वाइट कलर का ब्लड होगा, और ये क्या दिखाएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए हीमोसील। कॉकरोच जो है एक्सटर्नली थोड़ा सा हार्ड होता है और इंटरनली एकदम सॉफ्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं इनके पास चिटिनस एक्सोस्केलेटन है। ये कॉकरोच के ऊपर बहुत सारे लाइनें दिखती हैं, सेगमेंट्स दिखते हैं, तो उन सेगमेंट्स का नाम क्या है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। डॉर्सल सेगमेंट, वो सेगमेंट जो सन की तरफ होता है उसे हम कहते हैं डॉर्सल सेगमेंट। वेंट्रल सेगमेंट, जो सेगमेंट जमीन की तरफ होता है उसे वेंट्रल सेगमेंट, और साइड की तरफ जो होगा उसे हम कहेंगे लैटरल सेगमेंट। डॉर्सल सेगमेंट ऑफ कॉकरोच को हम कहते हैं टर्गम, और वेंट्रल सेगमेंट को नाम दिया गया स्टर्नम, और लैटरल सेगमेंट को कहते हैं प्लूरॉन। टर्गम को आप टर्गाइट्स भी कह सकते हो, स्टर्नम को स्टर्नाइट्स भी कह सकते हो, प्लूरॉन्स को प्लूरा भी कह सकते हो। ये तीन सेगमेंट्स है जो कॉकरोच के ऊपर आपको दिखेंगे। कॉकरोच की बॉडी जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे कॉकरोच को इजी वे से ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, और इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। हेड के अंदर क्या होता है तो हम कहते हैं फेम। फेम क्या है, फेनेस्ट्रे, एंटीना, माउथ और आई। थोरैक्स में क्या होगा तो विंग्स और लेग्स, और एब्डोमेन में क्या होगा, सेगमेंट्स। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा बॉडी डिस्कस करेंगे कॉकरोच का। तब तक के लिए मैं सुनील सर थैंक यू कहता हूँ। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, नए हो